हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब बढ़िया हो? तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल तो पढ़ी दिया है, सासों की माला में जो गाना है नुसरत साहब जी का गाना है, वो कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। आज का वीडियो जो है वो मेंबर स्पेशल नहीं है, आज सबके लिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए एक पैच दिया जाए, तो छोटी सी कोशिश की है। आपको मैं पैच बताता हूँ कि कैसा बनेगा, कैसा बजेगा प्रॉपरली, कट टू कट आपको बताऊंगा कि कैसा क्या क्या होगा। और अगर आपको समझ नहीं आए, यहाँ पे सब कुछ लिख के आ रहा है ना, तो आप लोग को अगर यहाँ पे जो स्क्रीन नहीं दिखती है तो आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा वो। सो ये जो गाना है इसमें तबला यूज हुआ है, साथ में क्लैप्स है, परकशन हम कुछ डाल सकते हैं बट नीड नहीं है, वो क्लैप्स और उसमें बहुत बेहतरीन लगेगा। सो सभी ने सासों की माला जो गाना है वो सुना ही होगा। सो छोटी सी कोशिश करते हैं, और अगर आपको ऐसे ही पैच सीखने हैं सो अगर आप सब्सक्राइब के बाजू में जो बटन है मेंबरशिप वाला, अगर वो ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पैच की लिस्ट मिलेगी जिसकी प्रॉपर एडिटिंग बताई गई है। जैसे आज आपको यहाँ पे दिख रही है वैसे ही सेम आपको वहाँ पे भी मेंबरशिप वाले ऑप्शन में आपको बहुत सी एडिटिंग पैच की दिखाई जाएगी, जो अगर जो ऑक्टोपैड सीखना चाहता है सो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। अभी शुरुआत करते हैं। ये जो स्टिक है यहाँ पे राइट हैंड, ये तीन ही आएगा, ठीक है। सो ये जो बाए का पार्ट है, जैसे गाना चलता है धंग ताक ताक चित धंग धंग झंग ताक ताक चित धंग धंग, तो हम क्या करेंगे, धंग धंग झंग ताक धंग तांग झंग ताक ताक धंग तांग छिन्ना ताक ताक धंग तांग धुन, तो वो जो गमक है वो धंग 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 ताक ताक धंग तांग धुन ताक ताक धंग तांग धुन ताक ताक धंग तांग धुन ताक ताक। सो ये ऐसा बाय का पार्ट है। अभी मैंने इसके अंदर क्या क्या लगाया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेस ओपन, यहाँ पे जो नंबर है जिनके पास एम स्टूडियो में उनको बता देता हूँ, 1144 का बेस ओपन है। इसका जो वॉल्यूम है वो 60% है। मैंने पिचिंग विचिंग कुछ नहीं किया है, सब नॉर्मल है, मैंने कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। और इसमें एक ही लेयर है बट हम इसमें एक दूसरी लेयर लगाएंगे जिसमें आएगा क्लैप्स, जो लाइव क्लैप्स रहती है, तो हम वो ऐड करेंगे। सेकंड लेयर में चलते हैं, लाइव क्लैप ढूंढते हैं, ये एक लाइव क्लैप के जैसा है। इसका एक पिच डाउन करके देखते, हाँ ये सही है। इसको थोड़ा रिवर्ब देंगे, आपको पता है इसमें रिवर्ब कैसे देते हैं, हाँ इतना ठीक है। सो हमने इसमें लाइव क्लैप डाला है और इसकी जो परसेंट है वो रखेंगे हम 40%। अभी तभी आएगा ये दिंगे दांग दिंगा ताक ताक दिंगे दांग दिंगा ताक ताक धिंग धांग धिंगा ताक ताक धिंग धांग धिंगा। एक्चुअल में जो गाने में बजे धंद धंद धन्ना ताक ताक धंद धंद धन्ना ताक ताक, ऐसा बजा है ओरिजिनल गाने में, बट हम बजाएंगे धिंग धांग धन्ना, बट तभी आप एकदम ऐसे प्रो लेवल में एकदम तभी ऐसे बजाओगे ना, तो फिर आप एकदम धंद धन धन्ना ताक ताक ऐसा कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के लिए जिनको नहीं समझ में आता है तो धिंग धांग धन्ना क्या है, 1 2 3 एकदम सिंपल है, तो एकदम सिंपल वाला काम करने का, क्या ज्यादा ढोके को ताप देने का नहीं। हाँ अभी इधर भी सेम मैंने डाला है, जो बाया है, जो बाया ओपन यहाँ पे डाला है बेस ओपन, वो मैंने यहाँ पे डाला है 1144 का। अगर आपके लोग के पास कोई दूसरा पैड है ना, तो क्या सिंपल सा है ना, उसमें बाया ढूंढने का मस्त ढोलक का वो उसमें डालने का, ठीक है। सो अभी इसमें आएगा ये बाया, मगर इसका वॉल्यूम थोड़ा रहेगा कम, क्योंकि ऐसा वो ऐसे दिखना मांगते ना, थोड़ा ऐसा फील, ठीक है। सो ये ऐसा फील के साथ आएगा। सो ये इसमें बाया ओपन आया, पिचिंग विचिंग सब कुछ जीरो है, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 50%, ठीक है, इसका है 60%।
ताक ताक दंगे दंगे दिना तभी आप लोग प्रो हो जाओगे ताक ताक दिना दिना ताक ताक ऐसा बजा सकते हो। बट पहला सिंपल वन टू थ्री वन टू थ्री, ज्यादा डोके को ताप देने का नहीं, वो डोके को ताप दिया ना बहुत मुश्किल होता है फिर। हाँ ठीक है, यहाँ पे डाले हमने ढोलक का जो बाय का घिसी रहते हैं तो जो रहता है ना जो ढोलक एक दुम मारते एक जो ये जो रहता है वो है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाया घिसी, बाया क्लोज। इसका नंबर है 1146, पहले वाले का था बाया ओपन का 1144। तो जिनके पास ये वाला पैड नहीं है तो लोग क्या कर सकते हैं, बाय का जो घिसी वाला रहता है पैड में बहुत सारे ट्यून रहते हैं इंडियंस में जाने का, उसमें जाके तबले में या ढोलक में ढूंढने का है घिसी वाला पार्ट किधर है, वो उसमें ऐड करने का। ठीक है, ये सिंपल है, समझा? अभी ये अपना क्लियर हो गया, राइट हैंड ताक 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 ना। अभी इधर जो क्लैप आ रहा है इधर क्या क्या डाला, क्लैप है, बाया ओपन है, इधर है बाया ओपन, इधर है घिसी, टेंशन नहीं, ये अपना राइट हैंड हो गया फ्री। अभी आते लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड पे आए ना अपन, तो इधर अपने को डालने का है ये तबले का ना, क्या डालने का है तबले का ना, अभी वो अपन ढूंढेंगे, वो है 1096 नंबर पे। अभी जो गाने का स्केल है वो है जी, ठीक है, मतलब सफेद पांच, ठीक है, मतलब हो गया प्लस सेवन, ठीक है, तो अपना आ गया इधर प्लस सेवन, एकदम टेंशन लेने का नहीं, एकदम देने का काम करने का। ठीक है, अभी ये आ गया इधर, ठीक है, यहाँ पे अपन ने तबला डाला, तबले का ना डाला है, अभी उसका स्केल जो है वो है जी, ठीक है, तो जी आया, तो जी का मतलब होता है सफेद पांच। जिनको अगर बेसिक सुर का नहीं पता है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सफेद पांच, ठीक है, हो गया जी। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा इसका जो तबले का जो टिट वाला पार्ट रहता है वो, इसका भी हम सेम सुर रखेंगे, प्लस सेवन रखेंगे, बट नहीं भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि वो सी पे है, क्योंकि दोनों वो लोग मर्ज करते हैं, बट व्हाट वी से उसका सेवेंथ नोट लग जाता है सी का। ठीक है, सो हम उसको ऐसा डैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इधर तबले का टिट लगाएंगे, बट इसमें पिचिंग कुछ भी नहीं कर रहे हम, इसकी वॉल्यूम जो है वो रखेंगे 35%। इसकी प्लेइंग ऐसी है, इधर नाम ने रखा है, इधर टिट रखा है, क्योंकि मैं भी अभी पैच बना रहा हूं ये, तो मेरे हाथ में भी सेट नहीं है ये, सो मुझे भी सेट करने को थोड़ा टाइम जाएगा, इसके लिए आप लोग के सामने ही कर रहा था। बहुत जने बोलते हैं कि आप पैच पहले ही बना देते हो बाद में बताते, तो ऐसा नहीं है, मैं बनाया अभी और अभी आपके सामने ही मैं थोड़ा उसका प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसा है, अभी इसमें जो है अपना क्लैप कम आ रहा था, अभी क्लैप बढ़ जाएगा। सो देखिए कितना सिंपल था पैच। सो क्या था इसका ट्यूनिंग, वन टू थ्री राइट हैंड, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री सेकेंड लेफ्ट हैंड, दोनों साथ में बजेंगे तो सो एकदम सिंपल था। अभी ये आपने तभी गाना सुना है, क्योंकि मैं गाना नहीं बजा सकते क्योंकि उसका कॉपीराइट आता है, सो आप लोग ने गाना सुना हुआ है, सो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही पैच सीखने हैं सो मेंबरशिप का जो बटन है उसे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब के बाजू वाला बटन है उसको ज्वाइन करने का, और पैच का लुफ्त उठाने का, वहां पे आके पैच सीखने का, जिनको सीखना है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, अगर वीडियो पसंद आया रहे तो इसे लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू।